तो सुन, 200 एम्पियर आईजीबीटी ओइलिंग मशीन में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होता है वो है लो करंट, और दूसरा होता है आईजीबीटी ब्लास्ट हो जाता है। आईजीबीटी जब हम नया लगाते हैं उसके बाद क्या होता है, बार बार जल जाता है। ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होता है। पूरा वीडियो देखने के बाद आशा करता हूँ ये प्रॉब्लम आपके साथ दोबारा नहीं होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करें। देखिए, ये मशीन का बोर्ड देख के लगता है बहुत ज़्यादा दिन हुआ नहीं, ये मशीन एकदम नया है। तभी हम लोग देखते हैं जे इसमें क्या प्रॉब्लम है। पहले हम क्या करें, सीरीज में लाइन देके देख लेंगे। तो सीरीज में लाइन देने के बाद देखिए पूरा बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब बोर्ड के अंदर कोई शॉर्ट है। ऐसा प्रॉब्लम रिपेयरिंग करने के लिए पहले हम क्या करें, पूरा पीसीबी कैबिनेट के बाहर लेके चला है। उसके बाद हम पार्ट टू पार्ट आपको समझाएंगे कैसे रिपेयरिंग करना चाहिए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, आगे देखिए। पहले हम सर्किट के साथ समझ लेंगे कैसे ये मशीन हम रिपेयरिंग अभी करेंगे। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एसी लाइन देते हैं बीज रेक्टिफायर में। जो बीज रेक्टिफायर ऐसे ड्राइंग में हम दिखा रहा है, देखिए ये एसी सप्लाई दे दिया, उसके बाद इधर से तो डीसी निकल गया। डीसी निकाल का मतलब है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इधर अभी हम क्या करेंगे, वो जो तीन टू कंडेंसर है वो कंडेंसर इधर ऐसे ही है। अगर ये शॉर्ट हो सकता है, बीज रेक्टिफायर भी शॉर्ट होता है, उसके बाद क्या होगा, मेन चला जाता है कहाँ, वो आईजीबीटी में। आईजीबीटी देखिए तीन पिन होता है, एक गेट, एक डेट, एक सोर्स। यहाँ देखिए ये जो आईजीबीटी है इसका डेन में जाता है पॉजिटिव, और नेगेटिव जाता है सोर्स में। सोर्स में नेगेटिव दे देता और डेन में पॉजिटिव दे देता। तो इधर भी शॉर्ट होगा तो लैम्प पूरा ग्लो करेगा। उसके बाद कहाँ जाता है, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई में। ये बोर्ड में जो ऑक्सिलरी पावर सप्लाई है वो 3878 मॉस्फेट देके ये बनाया। तो क्या होगा, मॉस्फेट में भी लाइन चला जाता है डायरेक्ट, तो वो कहाँ से जाता है, देखिए ये भी पॉजिटिव से ड्रेन में जा रहा है और नेगेटिव से सोर्स में जा रहा है। तो ये जो चार जो पोर्शन है, ये चार पोर्शन से कोई भी शॉर्ट होने से शॉर्ट सर्किट होगा, लाइन आगे जाने नहीं देगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना तक जो सर्किट हम दिखाया वो आपका समझ में आया। तो आगे हम क्या करें, आगे हम पहले क्या करें, ये जो हीट सिंक है, हीट सिंक पूरा पूरा खोल लेंगे। यह आईजीबीटी का स्क्रू खुलने से दिक्कत हो रहा है, तो हम क्या करें, अभी आईजीबीटी भी खुल ले। हम हर बार आप लोगों को बोलता है, देखिए जो आईजीबीटी आप लोग खुलेंगे धीरे हाथ में खुलिए, नहीं तो क्या होगा, ये पीटीएच बोर्ड है, ये दोनों तरफ फॉयल है, अगर इसका बीच में पाइप है, फिर दोबारा जो आप हम आईजीबीटी बैठाएंगे उस टाइम ठीक से शोल्डर नहीं होगा, वो भी बास्ट होने का एक कारण होता है। अगर ठीक से कांटेक्ट नहीं हुआ तो बास्ट होगा ना।
अभी सर्किट में देखिए, लाइन इधर से आया ए दो तार के अंदर, आगे बिजली रेक्टिफायर में आया, उसके बाद कंडेंसर में आया, देखिए इधर से आया, ये रेक्टिफायर है, इधर से रिले होके चला गया, देखिए रिले होके चला गया, उसके बाद रेक्टिफायर आया, रेक्टिफायर बाद कंडेंसर आया, कंडेंसर जो सर्किट में दिखा है वही है, कंडेंसर आया, कंडेंसर के बाद सीधे कहाँ चला गया देखिए आईजीबीटी में, इधर से देखिए जब गया है वो चार आईजीबीटी में गया, आईजीबीटी का बीच वाला जो है पॉजिटिव है और वो साइड वाला देखिए नेगेटिव है, इसका मतलब है बीच वाला ड्रेन है वो ड्रेन में पॉजिटिव चला गया और वो साइड में जो सोर्स है उसमें नेगेटिव चला गया। कैसे बोर्ड काम कर रहा है देखिए, ये कंट्रोल कार्ड है, उसके बाद मॉस्फेट है, उसके बाद देखिए दो तार आया, ये ड्राइवर का है, ये 30-19 ड्राइवर है, इधर जो ड्राइवर सर्किट है देखिए इसका अंदर है, वो भी लगता है ठीक ठाक ही है, तो क्या प्रॉब्लम है अभी तक मालूम नहीं हुआ, तो हम लोग अभी मीटर देखें चेक करेंगे। मेरा पास बहुत सारा कमेंट आया था अगले वीडियो में, जो ये तोशन का जो बोर्ड है ये आईजीबीटी लगाने से ठीक काम नहीं कर रहा है, तो इसका पूरा वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो पूरा देखिए आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी हम मल्टीमीटर से ये आईजीबीटी चेक कर लेंगे सही है कि नहीं। उसके बाद हम आगे देखेंगे, देखिए ये आईजीबीटी शॉर्ट लग रहा है, एक तो दो तो दोनों ही शॉर्ट हो गया, लगता है एक तो अच्छा ही है, एक तो सही है लगता है, तीन शॉर्ट हो गया, एक तो ठीक है, तीन शॉर्ट हो गया, तो देखिए आज भी शॉर्ट हो गया, इसका मतलब ड्राइवर भी जा सकते हैं, तो पहले हम लोग चेक कर लेंगे ड्राइवर ठीक है कि नहीं, इसलिए अभी हम लोग क्या करते हैं इसमें लाइन देने के पहले क्या कर देखिए, हम जब आईजीबीटी उठाया था उस टाइम शोल्डर इधर उधर हो गया, तो शोल्डर पूरा क्लीन कर लिया, उसके बाद ये ड्राइवर है, ये पूरा ड्राइवर सर्किट है, ये दोनों तरफ ये देखिए, ये दोनों तरफ ड्राइवर सर्किट है, तो ये हम मीटर से चेक कर लेंगे सही है कि नहीं।
अभी देखिए हम बोर्ड में लाइन दिया है, अभी हम क्या करें मीटर से पहले हम देख लेंगे डीसी वोल्टेज देख लेंगे 24 वोल्ट ठीक है कि नहीं। देखिए 25.8 वोल्ट है, लगता है ठीक ही है, लेकिन कंट्रोल कार्ड का जो मॉसफेट है उसमें डीसी वोल्टेज देखने से क्या देता है देख रहे हैं। देखिए इधर 23 वोल्ट, इसका मतलब बहुत ज़्यादा है, ये 15 वोल्ट से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा होने से क्या होगा, ये सिग्नल कम देगा ठीक है, ये सिग्नल बहुत कम देगा। देखिए वो जो एसी सिग्नल इधर से आईजीबीटी के बेस में हम देते हैं वो देखिए कितना हुआ अभी, वो से 0.9, इतना कम देने से क्या होगा, इसीलिए आईजीबीटी बास्ट हो गया, ये सिग्नल बहुत कम है इसीलिए आईजीबीटी बास्ट हो गया। तो हमको पहले कंट्रोल का डिपेंड करना चाहिए, उसके बाद आगे का साथ देखना चाहिए क्योंकि इधर। तो अभी हम ये क्या करें, नया कंट्रोल कार्ड लगाए क्योंकि अभी रिपेयरिंग करने का टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए कंट्रोल कार्ड उठा के नया कंट्रोल कार्ड लगाए। देखिए एक बात नोटिस कीजिए, ये जो कंट्रोल कार्ड दिख रहा है ये नेचुरली क्या है, मॉसफेट वाला जो मशीन है उसमें लगता है, वो 31/46 आईसी है और 35/25 आईसी है और 9Z24 एंड Z24 मॉसफेट दे के ये जो प्री एम्पलीफायर बनाया, लेकिन इधर भी देखिए सेम सर्किट किया है। अभी हम नया कंट्रोल कार्ड इधर बैठेंगे, कंट्रोल कार्ड जब आप इसमें बैठेंगे उस टाइम ज़रूर ध्यान दीजिए, जब सोल्डर हम लोग करेंगे उस टाइम जो कॉइल है वो ठीक से एक के साथ एक जुड़ ना जाए, वो आपका अलर्ट रहना चाहिए। देखिए ये बोर्ड का मेन जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यही है, क्या है देखिए कंट्रोल कार्ड में जो सिग्नल देना चाहिए उतना ज़्यादा सिग्नल ये देता नहीं है, इसीलिए वो फ्रीक्वेंसी का गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए ये बोर्ड में ज़्यादातर प्रॉब्लम यही है। इस टाइम क्या है देखिए सब लोग क्या करते हैं, जो आईजीबीटी ख़राब है वो आईजीबीटी देख के ड्राइवर देख के वो बैठा देता है, उसके बाद देखिए 2-1 घंटा जलने के बाद उसके बाद ये ब्लास्ट हो जाता है। अभी हम दोबारा क्या कंट्रोल कार्ड तो चेंज कर लिया, फिर से लाइन देखे हम चेक कर लेंगे ये बोर्ड कैसे काम कर रहा है। अभी देखिए अभी डीसी वोल्टेज हम मॉसफेट का ऊपर मापने से क्या होगा, देखिए 12.3, इधर भी देखिए 12.3 ऐसे है, तो देखिए अभी ठीक है, 10 से 15 के अंदर रहने से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी लगता है जो सिग्नल है ऐसे सिग्नल वो बढ़ चुका है, देखिए 8 हो गया ना 8। तो अभी हम आईजीबीटी लगा रहे हैं तो कुछ नहीं है। और एक बार देखिए जब अभी इधर से वोल्टेज ठीक देख रहा है, इसका मतलब वो ड्राइवर ठीक है, ड्राइवर का कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ सिग्नल के लिए आईजीबीटी उड़ गया है। अभी हम नया आईजीबीटी लगा देंगे क्योंकि मेरा लगता है जो फॉल्ट था वो क्लियर हो गया, अभी आईजीबीटी लगाने से ठीक चलेगा। तो ए बोर्ड में 80% जो प्रॉब्लम आता है यही प्रॉब्लम आता है, इसके बाद जो छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है वो तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन ए वाला प्रॉब्लम में दिक्कत आता है। तो अगली बार जब आप रिपेयरिंग करेंगे उस टाइम ज़रूर ये कंट्रोल कार्ड का बारे में ध्यान दीजिए, तो देखिए
आपका आईजीबीटी पास नहीं होगा और नुकसान भी नहीं होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगा। अभी हम देख लेंगे कैसे इसका आईजीबीटी ड्राइवर काम कर रहा है। देखिए ये ड्राइवर ट्रांसफॉर्मर है, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी दो टो कॉइल है डबल चैनल के लिए। ये 30-19 ड्राइवर है। इसमें पहले देखिए 4 आईजीबीटी है, ये 4 आईजीबीटी ऐसे हम सजा लेंगे। ये 4 हो गया, इसका जो किट सोड डिन है वो हम मार्क कर लेंगे। अभी इसका गेट इधर है, सोर्स है, ऐसे हम सजा लेंगे। इसके बाद दिखाएंगे कैसे वो गेट का जो सर्किट है वो कंप्लीट किया, कैसे थोड़ा अलग किया है। ज़्यादातर ये सर्किट से थोड़ा अलग किया है। देखिए सीधे ये जो सेकेंडरी कॉइल है उसका एक साइड चलाया वो सोर्स में, उसके बाद उसका पैरेलल से एक 3 की रेजिस्टेंस दिया है, उसके बाद एक जनरेटर दिया है C24 का, उसका मतलब है 24 वोल्ट का जनरेटर। और अदर साइड से क्या है देखिए, एक LED दिया है, हम LED देखिए उसके साथ जॉइंट किया है, उसका पैरेलल से एक PF दिया जिसका वैल्यू है 100 वोल्ट का। अभी इतना तक ये कंप्लीट है। उसके बाद देखिए सेम दोनों चैनल तो सेम है, तो एक चैनल दिखाने से हो जाएगा ना। तो इधर से एक रेजिस्टेंस दिया है, वो है कोई देता है 2.2 ओम्स, कोई देता है 4.0, इधर देखिए 2.2 ओम्स है। देखिए इधर से सीधा एक IGBT का गेट में 10 ओम्स देके दे दिया, दूसरा IGBT का भी वो 10 ओम्स देके इधर से दे दिया। ऐसे ही छोटा सर्किट है, ये सर्किट है सेम इधर का चैनल का ही है। तो अभी हम ये बोर्ड का फीडिंग कर ले रहे हैं। फीडिंग करने के बाद उसके बाद लाइन देखे देखेंगे कैसे है, क्या प्रॉब्लम है। हो गया, देखिए अभी लाइन चला है। अभी हम वेल्डिंग करके देखेंगे ये ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।